पांचवे दिन नवरात्र के भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ स्कंद के रूप के भक्तों महिमा बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के पांचवे दिन की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते। नाम है कार्तिक और स्कंद था दूसरा नाम, इसीलिए कार्तिक की माँ का स्कंद माता है नाम। रूप है माँ का ममतामयी और तेज चमकता है। माँ का यही रूप है जो भक्तों को भा जाता है। काल कसुर का वध करने का मान दिया आदेश, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देकर युद्ध में करा प्रवेश। दुराचार था ताल कसुर और बड़ा वीर बलवान, अंत तो कर सकता था केवल शिव की ही संतान। ताल कसुर के वध करने की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्कंद माता रूप के भक्तों महिमा बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान। सुर राक्षस का मैं आतंक सुनाता हूँ, महाबली अभिमानी ताड़ का बड़ा दुराचारी, छल बल और कपट था उसमें था अत्याचारी। त्राही त्राही मचा था स्वर्ग में मचा था हाहाकार, तीनों लोक में चलता था हाँ उसका ही अधिकार। चुके थे हार, बैठ गए थे हार मान के हो करके लाचार। उसके आगे क्या होता है ये बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ स्कंद के रूप के भक्तों महिमा बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान। कसुर का वध करने का काम न था आसान, वीर बली बलशाली और था बहुत बड़ा बलवान। शिव शंभु के पुत्र हाथों ही वो मर सकता था, इसके सिवा कोई भी उससे लड़ नहीं सकता था। सभी देवता आ जाते हैं पार्वती के पास, हाथ जोड़ कर माँ के आगे कर विनय अरदास। कष्ट निवारो संकट हारो, संकट में है प्राण। सेवा आपके है जग जननी, कौन करे कल्याण। सभी देवता हैं कितने असहाय दिखाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्कंद माता रूप के भक्तों महिमा।
सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान। स्कंद कथा और तारकासुर था जय, स्कंद रूप का रूप धरा है पार्वती माने, पुत्र को अपने युद्ध कलामा चली है सिखलाने, अस्त्र शस्त्र की कला सिखाती रण में रण कौशल, कैसे तोड़ा जाता है दुश्मन का छल और बल, युद्ध कला सिखाती कूट कला के सार, वीर से वीर बलि के युद्ध में कैसे होगी हार, कौन हारा कौन जीता तुम्हें हम ये बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ स्कंद के रूप के भक्तों महिमा बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। से सीख लिया जब युद्ध कला का ज्ञान, ताड़क सुर का युद्ध करने को किया है फिर प्रस्थान, विजय भव का पुत्र को अपने मान दिया वरदान, वध करके तुम ताड़क सुर का कर दो जगत कल्याण, चले खोज में ताड़क सुर को कार्तिक वीर भगवान, माता का देवता करने लगे गुणगान, ताड़कासुर ने सुनी सूचना करने लगा अट्टहास, हंसते हुए वो कार्तिक का करने लगा उपहास, कैसे छिड़ायो धुन में ये हम तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्कंद माता रूप के भक्त बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान। सुर के सेना का होने लगा संघार, कट कट से गिराए असुरों में मचा हाहाकार, गूंज रही थी स्वर्ग लोक में बाणों की टकरार, बहुत देर लड़ते रहे दोनों थे वीर रणवीर, चली गदाएं दोनों तरफ से चले तीर पे तीर, अपनी माँ को दिया पुत्र ने जीत का पूरा श्रेय, स्वर्ग लोक से पुष्पों की बरसात कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ स्कंद के रूप के भक्तों महिमा बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान। पार्वती माता स्कंद माता।
भी कहलाई। गौरा महेश्वरी और हिमालय पुत्री कहलाई। नवरात्रे का पांचवा दिन स्कंद माता का, कृपा करो हे जग जननी माँ भाग्य विधाता का। विधि पूर्वक जो भी माँ की पूजा करता है, सुख संपत्ति धन वैभव सब उसको मिलता है। स्कंद माता की कृपा से सुखी रहे संतान। माँ दयालु माँ कृपालु माँ है बड़ी महान। हाथ जोड़ के माँ के शरण में शीश झुकाते हैं, हाँ हम शीश झुकाते हैं। स्कंद माता रूप के भक्त दिन नवरात्र की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ स्कंद के रूप के भक्तों महिमा बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के पांचवे दिन की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्कंद माता रूप के दूसरा नाम, इसीलिए कार्तिक की माँ का स्कंद माता है नाम। रूप है माँ का ममतामयी और तेज चमकता है। माँ का यही रूप है जो भक्तों को भा जाता है। ताल कसुर का वध करने का मान दिया आदेश, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देकर चार था ताल कसुर और बड़ा वीर बलवान। अंत तो कर सकता था केवल शिव की ही संतान। ताल कसुर के वध करने की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्कंद माता रूप के भक्तों महिमा बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुर राक्षस का मैं आतंक सुनाता हूँ। महाबली अभिमानी ताड़ का बड़ा दुराचारी, छल बल और कपट था उसमें था अत्याचारी। त्राही त्राही मचा था स्वर्ग में मचा था हाहाकार, तीनों लोक में चलता था हाँ उसका ही अधिकार। चुके थे हार, बैठ गए थे हार मान के हो करके लाचार। उसके आगे क्या होता है ये बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ स्कंद के रूप के भक्तों महिमा बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुन।
कसुर का वध करने का काम न था आसान। वीर बलि बलशाली और था बहुत बड़ा बलवान। शिव शंभु के पुत्र हाथों ही वो मर सकता था। इसके सिवा कोई भी उससे लड़ नहीं सकता था। सभी देवता आ जाते हैं पार्वती के पास। हाथ जोड़ कर माँ के आगे कर विनय अरदास। कष्ट निवारो संकट हारो संकट में है प्राण। सेवा आपके है जग जननी कौन करे कल्याण। सभी देवता हैं कितने असहाय दिखाते हैं पावन कथा सुनाते हैं। स्कंद माता रूप के भक्तों महिमा बताते हैं हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान सब सुनो लगा कर ध्यान। ये कथा है बड़ी महान सब सुनो लगा कर ध्यान। स्कंद कथा और ताड़कासुर था जय। स्कंद रूप का रूप धरा है पार्वती माने। पुत्र को अपने युद्ध कलामा चली है सिखलाने। अस्त्र शस्त्र की कला सिखाती रण में रण कौशल। कैसे तोड़ा जाता है दुश्मन का छल और बल। युद्ध कला सिखाती कूट कला के सार। वीर से वीर बलि के युद्ध में कैसे होगी हार। कौन हारा कौन जीता तुम्हें हम ये बतलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं। माँ स्कंद के रूप के भक्तों महिमा बताते हैं हम कथा सुनाते हैं। से सीख लिया जब युद्ध कला का ज्ञान। ताड़ कसुर का युद्ध करने को किया है फिर प्रस्थान। विजय भव का पुत्र को अपने मान दिया वरदान। वध करके तुम ताड़ कसुर का कर दो जगत कल्याण। चले खोज में ताड़ कसुर को कार्तिक वीर भगवान। माता का देवता करने लगे गुणगान। ताड़ कसुर ने सुनी सूचना करने लगा अट्टहास। हंसते हुए वो कार्तिक का करने लगा उपहास। कैसे छिड़ायो धुन में ये हम तुम्हें बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं। स्कंद माता रूप के भक्त बताते हैं हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान सब सुनो लगा कर ध्यान। ये कथा है बड़ी महान सब सुनो लगा कर ध्यान। सुर की सेना का होने लग
का संहार। कट कट से गिराए असुरों में मचा हाहाकार, गूंज रही थी स्वर्ग लोक में बाणों की टकरार। बहुत देर लड़ते रहे दोनों थे वीर रणवीर, चली गदाएं दोनों तरफ से चले तीर पे तीर। अंत में ताड़ का हार गया और जीते कार्तिकेय, अपनी माँ को दिया पुत्र ने जीत का पूरा श्रेय। स्वर्ग लोक से पुष्पों की बरसात कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ इस गंध के रूप की भक्तों महिमा बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान। पार्वती माता स्कंद माता भी कहलाई, गौरा महेश्वरी और हिमालय पुत्री कहलाई। नवरात्रे का पांचवा दिन स्कंद माता का, कृपा करो हे जग जननी माँ भाग्य विधाता का। विधि पूर्वक जो भी माँ की पूजा करता है, सुख संपत्ति धन वैभव सब उसको मिलता है। स्कंद माता की कृपा से सुखी रहे संतान। माँ दयालु माँ कृपालु माँ है बड़ी महान, हाथ जोड़ के माँ के शरण में शीश झुकाते हैं, हाँ हम शीश झुकाते हैं। स्कंद माता रूप के भक्त बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान। पांचवे दिन नवरात्र के भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ स्कंद के रूप के भक्तों महिमा बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के पांचवे दिन की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्कंद माता रूप के भक्तों महिमा बताते हैं, हम कथा सुनाते। दूसरा नाम इसीलिए कार्तिक की माँ का स्कंद माता है नाम। रूप है माँ का ममतामयी और तेज चमकता है। माँ का यही रूप है जो भक्तों को भा जाता है। ताल कसुर का वध करने का मान दिया आदेश, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देकर चार था ताल कसुर और बड़ा वीर बलवान। अंत तो कर सकता था केवल शिव की ही संतान। ताल कसुर के वध करने की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्कंद माता रूप के भक्तों महिमा बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो।
असुर राक्षस का मैं आतंक सुनाता हूँ। महाबली अभिमानी ताड़ का बड़ा दुराचारी, छल बल और कपट था उसमें था अत्याचारी। त्राही त्राही मचा था स्वर्ग में मचा था हाहाकार, तीनों लोक में चलता था हाँ उसका ही अधिकार। चिंता में थे सारे देवता मान चुके थे हार, बैठ गए थे हार मान के हो कर के लाचार। उसके आगे क्या होता है ये बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ स्कंद के रूप के भक्तों महिमा बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान। सुर का वध करने का काम न था आसान, वीर बली बलशाली और था बहुत बड़ा बलवान। शिव शंभु के पुत्र हाथों ही वो मर सकता था, इसके सिवा कोई भी उससे लड़ नहीं सकता था। सभी देवता आ जाते हैं पार्वती के पास, हाथ जोड़ कर माँ के आगे कर विनय अरदास। कष्ट निवारो संकट हारो, संकट में है प्राण। सिवा आपके है जग जननी कौन करे कल्याण। सभी देवता हैं कितने असहाय दिखाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्कंद माता रूप के भक्तों महिमा बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान। स्कंद कथा और तड़का सुर था जय, स्कंद रूप का रूप धरा है पार्वती माने। पुत्र को अपने युद्ध कलामा चली है सिखलाने, अस्त्र शस्त्र की कला सिखाती रण में रण कौशल। कैसे तोड़ा जाता है दुश्मन का छल और बल, युद्ध कला सिखाते कूट कला के सार। वीर से वीर बली के युद्ध में कैसे होगी हार, कौन हारा कौन जीता तुम्हें हम ये बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ स्कंद के रूप के भक्तों महिमा बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान। स्कंद से सीख लिया जब युद्ध कला का ज्ञान, ताड़ कसुर का युद्ध करने को किया है फिर प्रस्थान। विजय भव का पुत्र को अपने मान दिया वरदान, वध करके तुम ताड़ कसुर का कर दो जगत कल्याण। चले खोज में ताड़ कसुर को कार्तिक वीर भगवान, माता का देवता करने लगे गुणगान। ताड़ कसुर
ने सुनी सूचना करने लगा अट्ठहास। हंसते हुए वो कार्तिक का करने लगा उपहास। कैसे छिड़ायो धुन में ये हम तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्कंद माता रूप के भक्तों महिमा बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान। सुर के सेना का होने लगा संघार। कट कट से गिराए असुरों में मचा हाहाकार। गूंज रही थी स्वर्ग लोक में बाणों की टकरार। बहुत देर लड़ते रहे दोनों थे वीर रणवीर। चली गदाएं दोनों तरफ से चले तीर पे तीर। अपनी माँ को दिया पुत्र ने जीत का पूरा श्रेय। स्वर्ग लोक से पुष्पों की बरसात कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ इस कंद के रूप की भक्तों महिमा बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान। पार्वती माता स्कंद माता भी कहलाई। गौरा महेश्वरी और हिमालय पुत्री कहलाई। नवरात्रे का पांचवा दिन स्कंद माता का। कृपा करो हे जग जननी माँ भाग्य विधाता का। विधि पूर्वक जो भी माँ की पूजा करता है, सुख संपत्ति धन वैभव सब उसको मिलता है। स्कंद माता की कृपा से सुखी रहे संतान। माँ दयालु माँ कृपालु माँ है बड़ी महान। हाथ जोड़ के माँ के शरण में शीश झुकाते हैं, हाँ हम शीश झुकाते हैं। स्कंद माता रूप के भक्त बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान।